स्वागत है आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। खबरों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के स्थान पर डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करने की घोषणा की और सभी केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए इसे दिशा का नाम दिया है। जापानी भुगतान कंपनी ओकी ने देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के लिए नगदी रिसाइकलिंग क्षमता वाले 600 एटीएम पूरे देश भर में स्थापित किए हैं। भारत और बांग्लादेश ने ढाका में आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर सहयोग बढ़ाने में सहमति जाहिर की। सी के मिश्रा, जो कि बिहार कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, उन्हें नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। टी नंदा ने गुजरात में स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। विमानन नियामक की पहली महिला प्रमुख एम सत्यवती को नए केंद्रीय श्रम सचिव के रूप में नामित किया गया है। चार नए लेखकों को साल 2015 के लिए दिल्ली में हुए एक समारोह में ज्ञानपीठ के 11वें नवलेखन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमलेंदु तिवारी और बलराम कवंत को उनके उपन्यास परित्यक्त और सारा मुरिला, जबकि ओम नागर और तस्नीम खान को उनके नॉन फिक्शन निब के चीरे से और यह मेरे रहनुमा के लिए सम्मानित किया गया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ए के मित्तल को उनके कार्यालय की तरफ से 2 और वर्षों का विस्तार मिला। न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी ने पटना उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूएस आधारित एक एप्लीकेशन नेटवर्किंग और सिक्योरिटी कंपनी A10 नेटवर्क्स ने अब कीटो के अधिग्रहण की घोषणा की। इंटेक्स टेक्नोलॉजीज ने उपभोक्ता टिकाऊ उत्पादों की नई रेंज के लिए फिल्मी सितारा माधुरी दीक्षित को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने एक अन्य तरह का जीका फैलाने वाले मच्छर की पहचान की। अमेरिकी लेखक जेम्स एलन मैकफर्सन का लोवा शहर यूएस में निधन हुआ। जर्मनी के पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बास्टियन श्वेंस्टाइगर ने अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल करियर का अंत करते हुए अपनी राष्ट्रीय टीम से संन्यास लिया। तो आइए एक नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। आप हमारे सारे शो सीधे अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। बस डाउनलोड करें bankersadda.com और ssc.adda.com का ऑफिशियल ऐप अड्डा 24/7। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पर, ताकि आपको हमारी सारी अपडेट सीधे आपके इनबॉक्स में मिल सकें। तब तक के लिए फॉलो करते रहें अड्डा 24/7 को। We'll be right back.